दिल्ली में फिर हुआ दिव्यांगों का आंदोलन। अपनी अपनी मांगों को लेकर बैठे दिव्यांग। ऐसे में हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर दिव्यांगों की समस्याएं क्या हैं, क्योंकि बीते कई सालों से दिव्यांग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी उम्मीद में हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो हमने उत्तर प्रदेश से आए सदाकत खान से बात की। आप ही सुनिए सदाकत खान ने क्या कहा और साथ ही साथ यह भी बताया कि वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप भी सुनिए। जी जी, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। धर्मेंद्र यादव का सांसद। जी बिल्कुल। तो सपा सरकार और जो अभी वर्तमान में योगी सरकार है, जी जी, कितना विकलांगों को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बात अगर आप धर्मेंद्र यादव की बात करेंगे तो धर्मेंद्र यादव ने पूर्ण तरीके से प्रयास करे दिव्यांगों के लिए। वहाँ पर मैंने ये देखा, 2015 में कैंप था तो कम से कम मैंने ये देखा रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने वहाँ पर दिव्यांगों के लिए, जैसे गाड़ी और उपकरण जो भी होता है उन्होंने वहाँ विकलांगों को दिलवाया। और बात अगर करी जाए ये कि इस टाइम जो आप सरकार की बात कर रहे हो, अगर उस टाइम में समाजवादी सरकार होती और सरकार केंद्र में होती तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं दिव्यांगों का कहीं ना कहीं भला होता। आज उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में एक ही सरकार है, अभी ये कुछ ना कर पाए तो दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा सवाल तो वही है ना, अभी इलेक्शन भी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। जी जी, तो पिछले इतने सालों से योगी सरकार ने विकलांगों के लिए कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया विकलांगों के लिए। करोड़ों में और घोटाला है, विकलांगों के लिए कुछ नहीं करा। सिर्फ जुमलेबाजी सरकार जो की केंद्र से लेके जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वो सिर्फ जुमलेबाजी सरकार है। इन्होंने दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं करा, एक फायदा का काम नहीं, कोई काम नहीं करा इन्होंने अभी तक। अच्छा, होना क्या चाहिए भाई? रोजगार मिलना चाहिए विकलांगों को। विकलांगों का तो कोटा है। अरे कोटा है तो मिल कहाँ रहा है बताइए आप। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के लेकर इलाहाबाद प्रयागराज में कम से कम 70 दिनों से धरना चल रहा है। इस सरकार के किसी मंत्री ने ना किसी ने आज तक वहाँ सुनवाई की है। और दूसरी बात, आवास योजना में किसी को लाभ नहीं मिल रहा है दिव्यांगों को, न हेल्थ कार्ड बनाया गया आयुष्मान हेल्थ कार्ड। अभी दिव्यांगों के इतने दिव्यांग यहाँ है, आप मीडिया से एक बार सर्वे करिए। आप लोग मीडिया का एक दायित्व तो होना चाहिए कि सर्वे, हम बड़े चैनलों का देखते हैं इलेक्शन को लेकर सर्वे, इन चीज़ों को दिव्यांगों को लेकर किसी मीडिया ने अभी तक हाथ नहीं उठाए हैं, जो कि मीडिया का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए कि दिव्यांगों के सर्वे कराए। आवास योजना, शौचालय योजना, अंत्योदय राशन कार्ड, पेंशन वृद्धि, मोदी जी कहते हैं एक देश और एक इलेक्शन होना चाहिए। मोदी जी दिव्यांगों नाम बदल दिए। आज अगर हमें सुविधाएं मिलती तो हम यहाँ क्यों आते? आप सोचिए, अगर हमारा पेट भरता तो हम क्यों यहाँ भटकते? हमें 4% निजी क्षेत्र में कहीं नौकरी के लिए हम जाते हैं तो हमें नहीं रखते हैं, सरकार हमें रखना नहीं चाहती है तो हम कहाँ नौकरी पाएं? और पेंशन 500 रुपये उत्तर प्रदेश में, 2,500 दिल्ली में, तो उत्तर प्रदेश में क्या गरीबी है? सरकार UDID कार्ड बनवाई, UDID कार्ड हर देश में चलना चाहिए, मगर UP से हम अगर दिल्ली आते तो बस का किराया देना पड़ेगा। रेलवे में हमारा कोच खत्म कर दिया गया। ये है दिव्यांग नाम है। मोदी जी हमारे नाम देने में मशहूर हैं। आपको लगता है आप लोग बैठे हैं, आपकी मांगे पूरी होंगी, सुनी जाएंगी? सरकार बहरी है, उम्मीद नहीं कर सकते, मगर हम लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और हम सामाजिक संगठनों और मीडिया से आग्रह करना चाहते हैं, हमारी बातें ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, क्योंकि दिव्यांग इस देश का सबसे निम्न स्तर पर है और उसको उठाने का काम किया जाए। अरे जब सरकार बना सकते हैं तो सरकार हम गिरा भी सकते हैं। हमारा तो कहना ये है, जैसी उम्मीदों से हमने इनकी सरकार बनाई थी उसी उम्मीदों के उनके पानी फेरेंगे, सरकार गिरा भी सकते हैं। राम मंदिर के लिए चंदा, पूरा RSS लगा दिया गया है राम मंदिर के चंदा इकट्ठा करने में, मगर दिव्यांगों के नाम पर कहीं कोई कार्य करने को राजी नहीं है। हम सामाजिक संस्थान NGO जितने चलते हैं, आज देखिए दुनिया में बड़े NGO हैं कि जो हम किसी की आपूर्ति खाना करें, मगर यहाँ आप आए हैं एक बार देखिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार पार्टियाँ क्यों हम कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं या हम आम आदमी? केजरीवाल जी किसानों के लिए पानी, जल, खाना पहुंचवा सकते हैं, मगर यहां तक अभी केजरीवाल जी का कोई विकलांगों के समर्थन में किसी पार्टी का व्यक्ति यहां नहीं पहुंच पाया है। अब बड़ी प्रिंट मीडिया हमारे देश की सिर्फ जहां पैसे और पैकेज मिलेगी सिर्फ वही दिखाएगी। आपसे आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। और जो गोदी मीडिया की हम जो है मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, गोदी मीडिया, गोदी मोदी। तो भैया ये है, आप लोगों से हमें सहयोग चाहिए, आप पे हमें विश्वास है, जो कि सोशल मीडिया है वही हमारे पास अब तक दिव्यांगों के पास आई है और हम इसका बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि जो गोदी मीडिया है, TV मीडिया है, ये दिव्यांगों का अभी तक एक भी बार आके इन्होंने ना मिले हैं ना उनसे कोई किसी तरीके की कोई बात पूछी है, बस उन्हीं के पास जा रहे हैं जो पैसे वाले हैं।
अच्छा एक सवाल और है, कब तक संघर्ष जारी रहेगा? क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ, लगातार मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ दिव्यांग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसको रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा है, क्या कहें? ऐसा है, रिजल्ट की बात तो ये है कि जो आयोजक होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जाकर फचड्डी बन जाते हैं, क्योंकि सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे सुबह से हम भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ के केजरीवाल मुख्यमंत्री जी जो है, सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि वो भूखे प्यासे कहाँ से सभी प्रांत से अपने यहाँ पर यहाँ के जो केंद्र में आए हुए हैं, तो उनका विशेष कम से कम खाना नहीं खिलाया, कम से कम पानी तो पिला दिया जाए यहाँ पर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब हम जो है, जो कि आपने हमसे जो सवाल पूछा बहुत अहम सवाल है, इस पर मैं भी अभी इस बात पर चर्चा कर रहा था कि हम बहुत लंबे समय से जो है इस पे जो है संघर्ष कर रहे हैं। अब हम लोगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग है और इसके बाद में बैठेगी, जो भी हमारे दिव्यांग हैं उन्हें जागरूक करा जाएगा। अब हम जो है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें इसका कुछ भी नुकसान क्यों ना देना पड़े। जब जी यहाँ अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं, अभी हम यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बैठ कर और अपना रणनीति तैयार करेंगे कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। तो सुना आपने, ये है दिव्यांगों का दर्द जो लगातार उन्हें संघर्ष करने पर मजबूर करता है। दिव्यांगों की बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी उठाते रहे हैं और उन्हीं ने विकलांग से उन्हें दिव्यांग जन कहना शुरू किया, बहुत सारी उनके लिए योजनाएं भी निकाली ताकि दिव्यांगों का भला हो। उन्होंने कई सारे भाषणों में इनोवेशन की भी बात की है, लेकिन धरातल पर जब हम देखते हैं तो दिव्यांग जन कहीं ना कहीं परेशान ही दिखाई देते हैं। सरकार को भी ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो लगातार दिव्यांगों की योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचने देते हैं। दिव्यांगों का यह आंदोलन भविष्य में क्या करवट लेगा, क्या इसकी मांगें पूरी होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी दिव्यांग सड़कों पर है और अपने सम्मान के लिए, अपने इतिहास के लिए वह लड़ रहा है। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया, और दोस्तों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।